आदमी कितना जिया ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आदमी कैसे जिया ये महत्व रखता है। और मुझे मानव जाति की सेवा करना अच्छा लगता है, इसमें आनंद मिलता है। इस तरह के विचार जगन्नाथ अप्पा शिंदे ने व्यक्त किए हैं 28 जनवरी 2023 के दिन उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सद्भावना जागृति ट्रस्ट की ओर से आरण यादव ने अप्पा का पावन पुनीत जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर खेल, क्रीड़ा, समाज सेवा, पत्रकारिता के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपना तथा अपने देश और गांव का नाम रोशन करने वालों का विशेष रूप से मान सम्मान किया गया। इस मौके पर विजय पंडित, मोतीलाल यादव, सरतेज यादव, एम साहब यादव, नेतुली श्री गुरुदेव आश्रम के संचालक श्री 1008 आनंद देव गिरी महाराज, जितेंद्र यादव, नीलेश शिंदे आदि उपस्थित रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में विजय राउत, बालकृष्ण मोरे तथा करण हिंदुस्तानी का सम्मान किया गया। तो दूसरी ओर खेल कूद में अपना नाम रोशन करने वाली कामिनी गणेश बोस्टे, अभिजीत झुंझाराव, मंगला सुरेश, सचिन अर्जुन कदम, सूर्यकांत यादव का गौरव किया गया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन शंकर पांडे ने किया और आयोजन तोशेष शुक्ला, कलीम शेख, शरद महाजन, अयाज मौलवी, आरटी सुराकर, गोपाल शर्मा, रामचंद्र यावलकर ने किया था। इनका मेरा परिचय तो इस कारण हुआ कि हमेशा ये हमारे लोग ग्राम में आने लगे, रहने लगे। हमारी मैं पहले कांग्रेस में काम करता था, उसके बाद मैं राष्ट्रवादी में काम करने लगा। तो जितने भी गरीब लोगों के लिए आंदोलन करने वाला एक ही आदमी दौड़ के आता था, वो आनंद यादव। और जहाँ जहाँ हम जाते थे तो गरीब लोगों का लेके हमेशा उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए। गोविंदवाड़ी का भी होगा, कुष्ठ रोगियों के लिए भी होगा, कूड़ा कचरे के लिए होगा, कई जगह में गरीब लोगों को रास्ते नहीं मिले, ये ऐसे बहुत सारे काम। और जितने भी आंदोलन करे किए इन्होंने, इसमें सब अपना पैसा लगाकर आंदोलन किए, ये विशेष बात है। कोई पार्टी से पैसा चाहता है, कोई फंड चाहता है, वो कभी नहीं किया। जनरली मैं ऐसी समय नहीं देता हूँ मेरे जन्मदिन के पूरे महाराष्ट्र में नहीं, सब देश में आज और कल में मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। और मैं यहाँ बुलाता भी नहीं, बहुत लोग जो आते हैं वो प्रेम से आते हैं करके उनको ठुकराता नहीं, उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन ये जिस गीता का आपने हमें दिया है, वही मेरी गीता का ही ज्ञान लेके हम चले। 18वां अध्याय जो गीता का है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने आदमी, मैंने मानव को ही देव माना है, आदमी को ही परमेश्वर माना है, और ये चलते हुए भगवान की मैं पूजा करता हूँ, यही मेरा धर्म है। और वो करने में मेरा जीत जाता है। जो भी हम काम करते हैं उसकी पब्लिसिटी लेना, यानी वो जो भी काम है वो नहीं है। गीता में ये कहा है कि जो भी आप दोगे वो गुप्त स्वरूप होना चाहिए, गुप्त ज्ञान होना चाहिए, दान होना चाहिए, तो ही वो सत्मार्ग में लगेगा। यादव जी, आज अप्पा जी का बर्थडे है, आप क्या बताइए अवसर? अप्पा जी का बर्थडे मैं आज से नहीं, आज कम से कम 2008 से मैं लगातार मना रहा हूँ। जब मैं यहाँ कल्याण से चला गया हर घर, वहाँ भी 4 साल मनाया, फिर मैं कल्याण में, अप्पा ने बोला कि आप कल्याण में ही मनाइए। देखिए, आज का विशेष महत्व है, अप्पा चूँकि गरीबों का मदद करते हैं तो गरीबों की मसीहा के रूप में ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाना मैं समझता हूँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पे आपने जो अभी साड़ियाँ बांटी, ये बांटी, तो उसका क्या मकसद होना, तो क्या आप क्या बताएंगे उसको? हम ये साड़ियाँ उनको दी जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं। ये सभी जो महिलाएं जो साड़ी लेके गई, किसी के यहाँ बर्तन, किसी के यहाँ काम करती हैं, चौका बर्तन करती हैं, तो एक साड़ी उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए उनको मैं पापा के जन्मदिन के इस पूर्व संध्या पर उनको हमने साड़ी बांटा। कभी कभी हम पापा के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को कपड़ा बांटते हैं, उनके ड्रेस बांटते हैं, कभी कभी उनको नोटबुक देते हैं। हम जितना काम करते हैं उनके लिए करते हैं जो गरीब हो गए।